फ्रेंड, वेलकम टू सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे क्रुस्कल एल्गोरिथम, मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक एल्गो है आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने की। तो इसके डिफरेंट स्टेप है जो हम एग्जांपल के थ्रू ही पूरे स्टेप इसके देखेंगे। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने एक थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम लिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। पर एरो आपका आएगा नहीं है, सिंपल है, डायरेक्टेड ग्राफ है, सिंपल। सबसे पहले आपको सबसे पहला स्टेप ये करना है, जो भी लूप अगर आपका बन रहा है कहीं पर, लूप एज है, कोई लूप वाली एज है, तो उसको आपने रिमूव कर देना है। तो सिंपल अगर लूप वाली एज की बात करें, यानी वो उसी वर्टेक्स से स्टार्ट हो और उसी वर्टेक्स में वो कंप्लीट हो जाए, जैसे आपका यहाँ पर एक लूप बन रहा है। तो ऐसी अगर आपको कहीं पर एज दिखती है तो उसको तो आपने डायरेक्ट क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। सिंपल पहली कंडीशन तो आपको ये देखनी है। सबसे पहला आपका टॉपिक यही रहेगा कि अगर एक वर्टेक्स से कोई एज स्टार्ट हो रही है, उसी पे कंप्लीट हो रही है बिना किसी दूसरे वर्टेक्स में जाए, तो उसको आपने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। दूसरी कंडीशन ये है आपकी, अगर कहीं पर आपको पैरेलल एजेस दिख रही हैं, पैरेलल एजेस का मतलब है दो एजेस सेम वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है, सेम वर्टेक्स पे ही कंप्लीट हो रही है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं सी से ही, ये भी एक वर्टेक्स है जो सी से ही जा रही है और दूसरी वर्टेक्स सी से ही में ये भी जा रही है। तो उस कंडीशन में आपने एक एज को वहां से भी रिमूव करना है, बट आपको कौन सी एज वहां पर रिमूव करना है जिसका वेट ज्यादा है। तो सिंपल हमें पता है ये 3 है, ये 8 है, दोनों सी से ई में जा रही है, तो दोनों में से मैक्सिमम जो वेट है वो किसका है, 8 है। तो आपको 8 वाला जो है ये भी क्या कर देना है, यहां से रिमूव कर देना है। दो स्टेप तो आपके ये हो जाएंगे। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, जो ये पूरा डायग्राम है इसको अरेंज करना है आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी आपने जो वेट अरेंज करना है वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सिंपल सिंपल अगर हम लोग वेट की बात करें तो मिनिमम वेट आपने ऊपर रखना है। सबसे पहले आप इसको प्रॉपर वे में लिख लीजिए। सबसे पहले अगर वेट की बात करें, ईएफ, ईएफ का वेट कितना है आपका 2। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग वेट को डिफाइन करेंगे, यानी एजेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपने। तो फिर क्या है, नेक्स्ट है आपका ईडी, ये भी कितना है 2 है, ये आपका कवर हो चुका है, ये हो चुका है। इसके बाद आपकी ये दोनों एच जो है वो 3-3 है, तो क्या आ जाएगा आपका सीई, ये भी आपका 3 हो जाएगा, और सीबी ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। नेक्स्ट आपका जो मिनिमम है वो है डीएफ, ये हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट आपका है बीडी, ये कितना हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट जो मिनिमम मैक्सिमम एज है 5 से ज्यादा बड़ी है वो है आपकी 6, यानी सीडी, ये आ जाएगा आपका 6। नेक्स्ट आपकी एज जो है वो है ए बी, ये आपका हो जाएगा 7। और नेक्स्ट जो है आपका वो है ए सी, तो ए सी आपका सबसे मैक्सिमम एज है 8। तो सबसे पहला स्टेप हमें याद रखना है, लूप रिमूव करने हैं, कोई भी लूप अगर बन रहा है। दूसरी कंडीशन ये करना है कि पैरेलल एज आपके पास है तो वो रिमूव करनी है। और तीसरा स्टेप हमें ये फॉलो करना है कि एजेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। अब हम इसके थ्रू क्या करेंगे, मिनिमम वाली एजेस के थ्रू हम लोग इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे मतलब उसको। तो सबसे पहले आपने एज लेनी है, यानी ईएफ, ईएफ की बात करते हैं, तो ये हमारा ई है और ये हमारा एफ है, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और इसका क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट आपने स्पैनिंग ट्री अब हम लोग क्रिएट करें, जैसे ही आपका अगर कहीं पर लूप बनता है तो वो एज आपने काउंट नहीं करनी है। सिंपल अभी हम डायग्राम में बनाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है ईडी, यानी ई और डी की बात करें हम, यानी डी हमारा यहां पर है तो ये आ जाएगा आपका 2 ईडी। नेक्स्ट आपकी एज है सीई, तो सीई की बात करें, सी और ई, यानी ये सी है आपका और ये ई है, यहां पर जो एज आ रही वो आ रही है आपकी 3। नेक्स्ट एज है आपकी सी बी, सी और बी, सी बी में अभी कोई भी एज नहीं है तो यहां पर हम लोग एज लगा सकते हैं और इसको भी कितना दे देंगे 3। नेक्स्ट आपकी है डीएफ, अगर हम डीएफ की बात करते हैं तो जैसे ही आप यहां पर, अगर आप यहां पर इसे कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा जो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये स्पैनिंग ट्री हमारी क्रिएट ही नहीं होगी। तो उस कंडीशन में हमें इसको यहां से क्या कर देना है, रिमूव करना है, यानी ये वाली एज हमारी काउंट नहीं होगी। नेक्स्ट आई आपकी बीडी, अब बीडी की बात करते हैं तो बी एंड डी, अगर हम बीडी को भी अगर कनेक्ट कर देते हैं तो यहां पर भी क्या बन रहा है, हमारा एक साइकिल क्रिएट हो जा रहा है जो फिर से क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया, ये स्पैनिंग ट्री हमारी क्रिएट ही नहीं होगी। तो उस कंडीशन में भी हमें इसको क्या कर देना है, यहां से रिमूव करना है, यानी इसको हमें काउंट नहीं करना है
क्रुस्कल एल्गोरिथम में, इसे भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आया आपका सी डी। सी डी की बात करते हैं, अगर मैं सी डी को भी यहां से मिला दो तो उस कंडीशन में भी ये साइकिल बन रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या होगा, सी डी भी जो है वो काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या बना दे रहा है, हमारा एक साइकिल जो है वो क्रिएट कर दे रहा है यहां पर। इसके बाद आया आपका ए बी। अब ए बी के बीच में कोई तो एस तो है नहीं, तो हम लोग यहां पर ए बना देंगे और ए और बी को भी क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, यानी ये बन जाएगा हमारा सेवन। नेक्स्ट है आपका ए सी। अगर ए सी की बात करें तो ए सी को अगर हम कनेक्ट करते हैं यहां पर, तो उस कंडीशन में क्या बन रहा है, ये भी एक साइकिल बन जा रही है जो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसको भी हम लोग यहां से क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी इसको भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो अब अगर हम प्रॉपर बात करते हैं स्पैनिंग ट्री की, स्पैनिंग ट्री की पहली कंडीशन की बात करते हैं, तो स्पैनिंग ट्री में हर एक हमारी वर्टेक्स आ जानी चाहिए। तो वर्टेक्स देखते हैं, ए आ चुका है, बी भी आ चुका है, सी भी, डी भी, ई भी, एफ भी, सारे वर्टेक्स हमारे कवर हो चुके हैं। दूसरी कंडीशन हमारी स्पैनिंग ट्री की ये होती थी कि टोटल नंबर ऑफ जितने हमारे वर्टेक्स हैं, जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए वर्टेक्स माइनस वन, यानी जितने वर्टेक्स हैं उससे एक कम हमारी एज होनी चाहिए। यानी वर्टेक्स कितने हैं हमारे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 माइनस 1 यानी 5 तो होने चाहिए मिनिमम एजेस, तो 1 2 3 4 5, तो 5 हमारी एजेस भी है। यानी ये स्पैनिंग ट्री को तो पूरा फॉलो कर रहा है, अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारी ये क्या हो गई, क्रिएट हो गई। तो इसका टोटल जो वेट है हमारा वो सम जो कितना हो गया, 7 प्लस 3 10 10 13 14 15 16 17, तो ये हमारा क्या बन गया, एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो सिंपल यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं क्रुस्कल एल्गोरिथम के लिए। सबसे पहले आपने जो भी हमारा लूप वाला होगा, यानी जिसमें हमारा एक ही एस से स्टार्ट हो रहा है और एक ही एस पे वो कंप्लीट हो जा रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहीं से, यहीं पर क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया, ऐसी अगर एज आपको मिलती है तो पहले तो उसे आपने रिमूव कर देना है। दूसरी कंडीशन ये करनी है कि कहीं पर अगर पैरेलल एज है, यानी यहीं पर से यहां पर दूसरी पैरेलल एज है, तो आपने जिसका वेट ज्यादा है उसे क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तीसरी कंडीशन ये थी कि आपने क्या करना है, जो भी एज का वेट है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद आपने स्टार्टिंग करना है मिनिमम एजेस से और उसके थ्रू आपने क्या करना है, पूरा एक स्पैनिंग ट्री क्रिएट कर देना है। तो ये आपका क्या है, क्रुस्कल एल्गोरिथम है पूरी। तो ये सिंपल वे में है। थैंक यू फ्रेंड।